मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। अभी आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। कौन से व्यंजन पढ़ेंगे? आगे के। ठीक है, अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा? क से लेके स तक, है ना, क से लेके स तक। अभी आज हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने के लिए हम अपनी बुक निकाल लेंगे और उसमें जैसे आगे लाइन बनाते थे वैसे ही लाइन बनाएंगे। लेकिन अब तक हम पांच पांच लेटर पढ़ते थे, अभी आज हम चार लेटर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कितने लेटर पढ़ेंगे एक साथ? चार लेटर। तो आप लोगों को अपनी नोटबुक निकाल लेनी है और उसमें थ्री लाइन्स बना लेनी है और कितने बॉक्स बनेंगे? चार बॉक्स। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि वन टू एंड थ्री लाइन बनाएंगे तो चार बॉक्स आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने नोटबुक निकाल के लाइन्स बना ली है। अभी आप लोग पहले देखोगे, फिर उसको समझ के अपनी बुक में कॉपी करोगे। ठीक है, कल हमने यानी कि अगले वीडियो में हमने क्या लिखा था? स से सरबत। तो आज उसके बाद आएगा श से षटकोण। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पहले ब्लू लाइन से स्टैंडिंग लाइन छोटी सी बना के नीचे से थोड़ा कर्व बना देते हैं। ठीक है, और पीछे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ऊपर जीरो रेखा बनाएंगे। अभी प बन गया, है ना, ये तो बन गया प। तो ऊपर के भाग कोने से लेके नीचे तक स्लैंटेड बनाएंगे तो बन गया श, स से षटकोण। ठीक है, एक बार फिर देखो, जैसे कि हम प लिखते थे, स्टैंडिंग बनाया, नीचे से थोड़ा कर्व बना दिया, पीछे स्टैंडिंग लाइन बनाया, ऊपर सीरो रेखा, और ऊपर से लेके जहां हमने ज्वाइंट किया है उधर तक बीच में स्लैंटेड लाइन, तो बन गया श से षटकोण। एक बार फिर स्टैंडिंग लाइन, नीचे से थोड़ा कर्व, पीछे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सीरो रेखा, और ऊपर से लेके जहां ज्वाइंट किया है उधर तक स्लैंटेड लाइन, तो बन गया श, श से षटकोण। एक बार फिर देख लो, स्टैंडिंग लाइन बनाया, नीचे से कर्व थोड़ा, फिर पीछे स्टैंडिंग के साथ ज्वाइंट किया, ऊपर सीरो रेखा बनाई, और फिर ऊपर से लेके ज्वाइंट तक स्लैंटेड लाइन, तो बन गया श, स से षटकोण। ठीक है, इसके बाद तीसरा स आता है, सपेरे का स। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? तो जैसे हम र लिखते थे वैसे ही कर्व बनाया, गोल घुमा के नीचे स्लैंटेड, बीच में से स्लिपिंग लाइन बनाई, पीछे स्टैंडिंग बनाया, ऊपर सीरो रेखा, बन गया स, स से सपेरा, स से संतरा। ठीक है, एक बार फिर देखो, जैसे र बनाया कर्व बनाएंगे, गोल घुमा के स्लैंटेड, बीच में से स्लिपिंग लाइन, पीछे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सीरो रेखा, बन गया स। एक बार फिर देखो, कर्व, गोल घुमा के स्लैंटेड, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, ऊपर स्लिपिंग, यानी कि सीरो रेखा, बन गया स, स से संतरा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, कर्व बना के स्लैंटेड बनाया, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सीरो रेखा, बन गया स, स से सपेरा। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा? ह। क्या आएगा? ह। कैसे लिखेंगे? तो पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, फिर जैसे एस लिखते हैं हिंदी में, एस लिख देंगे पहले। ठीक है, इंग्लिश में जैसे एस बनाते हैं वैसे हिंदी में हम एस बना देंगे, फिर
जहां पे मिडल आता है उधर से सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सी यानी कि कर्व। तो बन गया ह, ह से हाथी। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा ध्यान से सीखेंगे क्योंकि टिपिकल है, थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। स्टैंडिंग लाइन छोटी सी बनाएंगे, फिर एस बना दो और जहां मिडल है कर्व लिया है उधर से एक कर्व ज्वाइंट करके नीचे। ठीक है, तो बन गया ह। थोड़ा ध्यान से देखना है, स्लिपिंग लाइन बनाई ऊपर, फिर स्टैंडिंग लाइन एस बनाओ, बीच से ज्वाइंट करते हुए सी बना दो बड़ा वाला, बन गया ह, ह से हथौड़ा। एक बार फिर सीरो रेखा, स्टैंडिंग लाइन एस बनाया, बीच में से लेके नीचे तक सी बनाया या दूसरा कर्व बनाया, तो बन गया ह, ह से हाथी। ये लिखा ह, ह के बाद हम लिखेंगे क्ष, क्ष से क्षत्रिय, जिसके लिए हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लिपिंग बनाया, गोल घुमाया, नीचे कर्व लिया और फिर कर्व से गोल घुमा के स्टैंडिंग लाइन नीचे। ठीक है, और ऊपर सिरो रेखा, तो ये बना हमारा क्ष, क्ष से क्षत्रिय। ठीक है, एक बार फिर देखो, स्टैंडिंग लाइन थोड़ा आगे की तरफ, स्लिपिंग लाइन गोल घुमा के कर्व लिया, फिर गोल घुमाया और नीचे स्टैंडिंग, ऊपर सिरो रेखा, तो बन गया क्ष, क्ष से क्षत्रिय। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन गोल घुमाया, कर्व बनाया, गोल घुमा के स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सिरो रेखा, बन गया क्ष। एक बार फिर स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन गोल घुमाया, कर्व बनाया, गोल घुमा के स्टैंडिंग और ऊपर सिरो रेखा, बन गया क्ष, क्ष से क्षत्रिय। है ना इजी? आप लोगों को ऐसे ही नीचे नीचे पूरा पेज लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। अगर एक बार में समझ ना आए तो आप फिर से लिख सकते हो और अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज क्या सीखा? स, स से षटकोण, श, श से षटकोण, स, स से सपेरा, स, स से सपेरा, ह, ह से हल, ह, ह से हल, क्ष, क्ष से क्षत्रिय। ठीक है, क्ष, क्ष से क्षत्रिय। आज हमने चार लेटर पढ़े, स, स, ह, क्ष, ये स से षटकोण, ये स से सपेरा, ह से हल और क्ष से क्षत्रिय। ठीक है, आपको ऐसे ही नीचे नीचे लिखना है और पूरा पेज लिख के याद कर लेना है। हम लोग स्टैंडिंग लाइन में ही लिखते जाएंगे, स्लिपिंग लाइन में नहीं लिखेंगे, पूरा पेज ऐसे ही लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन में, फिर जब हम पूरे व्यंजन पढ़ लेंगे तो उसको हम स्लिपिंग लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो पहले श का लाइन, फिर स का लाइन, फिर ह का लाइन और लास्ट लाइन क्ष का। ऐसे ही हम चार लाइन अलग अलग लिखेंगे,
एक एक लाइन लिखेंगे, स्लीपिंग लाइन में नहीं लिखना है और स्टैंडिंग लाइन में ही लिखते जाएंगे, ठीक है।